विद्यापीठांच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा इथे विद्यापीठांच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा क्रीडा विद्यापीठ विद्यापीठ या ठिकाणी शासनाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावाखाली येऊन त्या ठिकाणी त्या पुणे शहरात ते स्थलांतर करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे मराठवाड्यातील जे स्पोर्ट्सचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यावर या ठिकाणी फार मोठा अन्याय झालेला आहे। आणि या ठिकाणी शिवसेना जे संभाजीनगरचा मुद्दा करते तो संभाजीनगरचा मुद्दा केवळ ते भावनिक राजकारण करण्यासाठी या ठिकाणी औरंगाबाद शहरात करतात व आपल्या शहराला आपल्या जिल्ह्याला सगळ्यात जास्त जी गरज आहे ती विकासाची आहे। सन्माननीय खासदार साहेब नेहमीच सांगतात की आमचा जो मुद्दा असतो आमचा जो मार्ग असतो तो विकासाचा मार्ग असतो। हा विकासाचा मार्ग घेऊनच या ठिकाणी औरंगाबाद शहरामध्ये जे स्थलांतर केलेलं जे विद्यापीठ आहे ते औरंगाबाद शहरामध्ये व्हावं यासाठी सर्वप्रथम जे कोणी आंदोलन केलं असेल ते खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एमआयएम पक्षाने केलेलं आहे। या ठिकाणी आज आमचे जिल्हा अध्यक्ष माननीय सन्माननीय समीर भाई बिल्डर आलेले आहेत। ते या ठिकाणी क्रीडा विद्यापीठाविषयी या ठिकाणी आपली भूमिका जाहीर करतील। गंगापुर के अंदर तहसील में दिया है, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी। मजलिस इसको जो है तो रोड पर लेकर जाएगी और आने वाले वक्त के अंदर जो भी मिनिस्टर औरंगाबाद में आएंगे मजलिस उनका घेराव करेगी, उनका रास्ता रोकेगी और उनसे सवाल करेगी कि क्यों इस यूनिवर्सिटी को औरंगाबाद से पुनः शिफ्ट किया गया। और मजलिस की यह मांग रही है और रहेगी, जब तक यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में वापस नहीं मिलती तब तक हमारा ये आंदोलन जन आंदोलन जारी रहेगा। साथों साथ आज बीजेपी के अंदर बीजेपी ने जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर धरना दिया कलेक्टर ऑफिस के सामने यही मुद्दे के ऊपर कि यूनिवर्सिटी को फिर से औरंगाबाद लाया जाए। मैं बीजेपी को याद दिला दूं कि जब आईआईएम जो है तो औरंगाबाद को दिया गया था और आईआईएम को जो है तो आपके ही तब के तत्कालीन सीएम जो देवेंद्र साहब है उन्होंने जो है तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि हम आईआईएम को औरंगाबाद से नागपुर शिफ्ट कर रहे हैं और हम औरंगाबाद को जो है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। तो क्या बात है कि जब आईआईएम औरंगाबाद से शिफ्ट की गई नागपुर को तब ये बीजेपी के नेता कहा थे और इन्होंने तब जो है तो मराठवाड़ा के लिए और औरंगाबाद के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई, ये हमारा सवाल है। पत्रकार बंधुओं से भी मैं कहूंगा कि ये सवाल जो है तो आप बीजेपी से जाकर करिएगा। जजाकल्ला।